now we will see question number 6 of exercise 9.1 question number 6 is which of the following pairs represent the same rational number now here in all the question two rational numbers are given to us okay as you can see everywhere pair of rational numbers are given two rational numbers are given and we have to find out that which of these pairs are same so we have to find out that out of these which one represents the same rational number ओके okay, सो so हमको फाइंड आउट करना है कि ये दोनों रैशनल नंबर जो आपको दिया है सो आउट ऑफ दिस विच वन इज सेम मींस दिस बोथ शुड बी इक्वल इक्वल और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर सो लेट अस सी द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो वी कैन मल्टीप्लाई ट्वेंटी वन इंटू थ्री एंड नाइन इंटू सेवन सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर एंड यू कैन गेट इट इजीली सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड और यू कैन टेक एल देन यू कैन मेक इट सेम

ओके सो नाइन इंटू सेवन माइनस सेवन नाइन इंटू माइनस सेवन ओके और ट्वेंटी वन इंटू थ्री करेंगे और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी वन एंड नाइन सो दिस वे यू विल डू सो दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप वॉट यू विल डू नाइन इंटू माइनस सेवन सो नाइन इंटू माइनस सेवन और नीचे डिनोमिनेटर सेम करना है सो ट्वेंटी वन इंटू नाइन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है ओके सो हियर माइनस सेवन इंटू नाइन एंड हीयर थ्री इंटू ट्वेंटी वन ओके सो दिस ट्वेंटी वन विल गो ईयर सो ट्वेंटी वन इंटू थ्री एंड दिस नाइन विल गो ईयर सो माइनस सेवन इंटू नाइन ओके एंड डिनोमिनेटर सेम ट्वेंटी वन इंटू नाइन और नाइन इंटू ट्वेंटी वन नाउ वी विल मल्टीप्लाई सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन सेवन नाइनजा इज सिक्सटी थ्री सो फर्स्ट पार्ट यू विल गेट माइनस सिक्सटी थ्री एंड हियर यू विल गेट वन एटी नाइन सो डिनोमिनेटर तो आपको सेम ही मिलेगा बिकॉज ट्वेंटी वन इंटू नाइन करेंगे और नाइन इंटू ट्वेंटी वन करेंगे सो डिनोमिनेटर विल बी सेम नो मल्टीप्लाइंग दिस बोथ सो थ्री इंटू ट्वेंटी वन विल गिव यू सिक्सटी थ्री इफ यू सी केयरफुल दिस इज माइनस सिक्सटी थ्री एंड दिस इज प्लस सिक्सटी थ्री सो माइनस सिक्सटी थ्री एंड प्लस सिक्सटी थ्री दे आर नॉट इक्वल वन इज नेगेटिव एंड अदर वन इज पॉजिटिव सो दे आर नॉट इक्वल सो हियर इन दिस केस यू कैन राइट फाइनल स्टेटमेंट लाइक दिस minus 7 upon 21 and 3 upon 9 do not represent the same rational numbers. Okay, so this way by cross multiplication you can easily compare two rational numbers. Let us see second one. In second one also minus 16 upon 20 and 20 upon 25 is given. Okay, this is the question. Now again we will multiply minus 25 with 16. So this will be our first part minus 16 into 25. Okay. And this side 20 into 20 cross multiplication, so 20 into 20, and in the denominator 20 into minus 25 for first part 20 into minus 25, and for second part minus 25 into 20, whichever you can take. Okay, changing the order does not matter. Okay, so what we need to do is we need to do cross multiplication. So 25 here. ओके सो माइनस 16 इंटू माइनस 25. बी केयरफुल विद द साइन एंड दिस 20 विल गो साइड सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो 20 into 20 ट्वेंटी एंड डिनोमिनेटर जो भी दिया है दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है सो फर्स्ट पार्ट वी विल गेट 16 इंटू ट्वेंटी विल बी 400 एंड माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस नंबर ऑल्सो यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड साइन ऑल्सो वी हैव डन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इन

minus so denominator will remain negative it will be minus 500 now moving to the next side this side so 2020's are will be 400 denominator dono me same hi okay so whatever you have got here the same part you will write over here so denominator should be same now we will compare so if you compare the answer of first one is also 400 and the answer of second one is also 400 so this is 400 upon minus 500 this is also 400 upon minus 500 so both are equal yes both are equal so these both rational numbers are same so whatever is given in the question these both rational numbers they are same they represent the uh, same rational number so your final statement will be like this since 400 is equal to 400 so minus 16 upon 20 and 20 upon minus 25 represent the same rational numbers so this was the solution part of second one now moving ahead with third one so let us see third one so in third one again -2 upon -3 see both negative numerator also and denominator also -2 upon -3 is given and other is 2 upon 3 now here we have the same numerator and denominator okay now -2 upon -3 इफ टू नेगेटिव साइन इज गिवन देन ऑटोमेटिकली द साइन गेट्स कैंसल्ड ऑफ ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा इट विल गेट रिमूव इट विल गेट कैंसल्ड जैसे हम नंबर का कैंसिलेशन करते हैं रिड्यूज फॉर्म करते हैं वैसे ही अगर दो नेगेटिव साइन दिया है एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में तो वी कैन ईजिली कैंसल इट आउट तो ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है माइनस टू अपॉन माइनस थ्री उसमें से ये माइनस और ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा इट विल गेट एक्चुअली इट विल गेट रिमूव्ड सो एक्चुअली इट इज ओनली टू अपॉन थ्री माइनस रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ टू अपॉन थ्री है नाउ दिस इज टू अपॉन थ्री एंड दिस इज ऑल्सो टू अपॉन थ्री सो दे बोथ आर सेम रैशनल नंबर सो दे रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर्स ओके सो अगर सेम नंबर uh, में आपको टू नेगेटिव साइन दिया है एक ऊपर और एक नीचे सो वो आपको कैंसल आउट करना है सो हियर नो नीड ऑफ कैलकुलेशन डायरेक्टली यू कैन सी दैट बोथ रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर नाउ मूविंग आइट विद दोर्थ सोल्यूशन माइनस थ्री अपॉन फाइव एंड माइनस ट्वेल्व अपॉन्टेंटी नाउ अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो माइनस थ्री इंटू ट्वेंटी और इस तरफ माइनस ट्वेल्व इंटू फाइव सो अगेन डूइंग क्रॉस डूंगल्टीप्लीकेशन सो ये ट्वेंटी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेल्व के साथ माइनस ट्वेल्व के साथ सो वी आर डूइंग क्रॉस डूंगल्टीप्लीकेशन सो फर्स्ट पार्ट विल बी माइनस थ्री अपॉन ट्वेंटी और नीचे फाइव अपॉन ट्वेंटी ये दोनों डिनोमिनेटर जो भी दिया है नीचे दोनों आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ द डिनोमिनेटर्स एंड दिस साइड फाइव इंटू माइनस ट्वेल्व और नीचे फाइव इंटू ट्वेंटी So denominators you will multiply. So this side the answer is minus sixty upon hundred. This side also it is minus sixty upon hundred. Both are equal. Both are same. Here also we are getting minus sixty. Here also we are getting minus sixty. So minus sixty is equal to minus sixty. So minus three upon five and minus twelve upon twenty represent the same rational numbers. So this was the solution part of fourth one. Now moving ahead with the fifth question. So इन फिफ्थ वन द क्वेश्चन इज एट अपॉन माइनस फाइव एंड माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फिफ्टीन अगेन क्रॉस मल्टीप्लीप्लीकेशन सो ये फिफ्टीन यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो एट इंटू फिफ्टीन और नीचे ये दोनों डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओके सो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा दैट स्टेप इज सेम फॉर बोथ सो फिफ्टीन इंटू एट ओके और नीचे माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन दिस वे सी द फर्स्ट पार्ट ओके So, 8 into 15 और नीचे माइनस फाइव इंटू फिफ्टीन एंड दिस साइड दिस माइनस फाइव विल गो हिस्टर सो माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस फाइव और नीचे फिफ्टीन इंटू माइनस फाइव ओके अंडरस्टूड दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये दोनों डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों तरफ सेम पार्ट वी विल गेट डिनोमिटर्स ऑलवेज सेम नाउ

So again we are getting both equal. So 120 equal to 120. So 8 upon minus 5 and minus 24 upon 15 they represent the same rational numbers. Again we got the same answer. Now moving ahead with the 6th question. 6th one is 1 upon 3 and minus 1 upon 9. Again we will do cross multiplication. So this 9 will be multiplied here. So 1 into 9 or 3 nines are okay. Now for second part this three will be multiplied here so minus one into three and denominator nine into three. So now if you multiply 9 nine ones are will be nine or nietzsche nine three are twenty seven and this side minus one into three will be minus three upon twenty seven. Now this is nine and this is minus three. both are not equal. after doing cross multiplication here nine ones are nine and here three into minus one we are getting minus three. okay so the numerators are different so here 9 is not equal to minus 3 so 1 upon 3 and minus 1 upon 9 they do not represent the same rational numbers so here both, both the rational number which is given in the question they do not represent the same rational numbers now moving ahead with the last sum of this question that is 7th one so 7th one is minus 5 upon minus 9 and 5 upon minus 9c

दोनों में नेगेटिव साइन है राइट विथ न्यूमरेटर ऑल्सो एंड विध डिनोमिनेटर ऑल्सो सो दिस माइनस एंड माइनस विल विल गेट गेट कैंसल्ड ऑफ इट रिमूव्ड सो ये दोनों माइनस की साइन जो आपको क्वेश्चन में दी है ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगी ओके okay? सो so, ये माइनस यहाँ से रिमूव ये यहाँ से रिमूव ओके सो एक्चुअली द फर्स्ट फ्रैक्शन इज ओनली फाइव अपॉन नाइन इट इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर बिकॉज टू नेगेटिव साइन सो इट विल गेट रिमूव्ड एंड दिस साइड इट इज फाइव अपन माइनस नाइन सो यू डोंट हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली आप देख लो डिनेटर सेम है तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है डायरेक्टली यू कैन से दैट फर्स्ट पार्ट इज ओनली फाइव एंड सेकेंड पार्ट इज माइनस फाइव ओके सो माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू फाइव इट मीन्स दैट यर फर्स्ट फ्रैक्शन में से आपका ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा तो ये सिर्फ फाइव अपॉन नाइन है और ये फाइव अपॉन माइनस नाइन है ये माइनस को आप ऊपर लिख सकते हो डिनोमिनेटर में जो माइनस दिया है दैट यू कैन टेक इट अप सो इट विल बिकम माइनस फाइव अपॉन नाइन सो फर्स्ट पार्ट में से माइनस रिमूव हो जाएगा बट जो सेकेंड वाला फ्रैक्शन है उसमें से माइनस साइन रिमूव नहीं होगी सो इट इज माइनस फाइव अपॉन नाइन सो हियर दे डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर